डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो वन का आंसर क्या बना? अ वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो उसके बाद आप लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर के ऊपर हेड से, आ हेड साइन इस तरह करके हेड। बाय अ हेड साइन अबव अबव द वेक्टर। तो बेसिकली आप इस तरह लिख लियोगे, मैं पूरी पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, इसकी बजाय मैं आपको एक नोट सेंड कर दूंगा, लिंक्स में आप लिंक में आपको मिल जाएगा, वो आप वहां से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे कि इसका आंसर ये था और क्यों था। तो वेक्टर के ऊपर ए हैट इस तरह करके हम यूनिट वेक्टर कर सकते हैं उसको। पोजिशन वेक्टर्स क्या होते हैं? पोजिशन वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच शो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये क्या है? ओरिजिन से किसी पॉइंट की डायरेक्शन को शो, लोकेशन को शो कर रहे हैं। ये पॉइंट पी था और ये उसका पोजीशन वेक्टर आर। तो इस तरह आप लिखोगे, एक डायग्राम बनाओगे और साथ इसकी डेफिनेशन लिखोगे। थर्ड क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर मींस द पार्ट ऑफ अ वेक्टर दैट इज अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस फॉर एग्जांपल, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई वेक्टर वी है, तो अ पार्ट ऑफ वेक्टर वी दैट इज अलोंग पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस के लोग जो इसका पार्ट है उसे कहेंगे वी एक्स, और वाई एक्सिस के जो लोग इसका पार्ट है उसे कहेंगे वी वाई। और वी एक्स और वी वाई इसके क्या हैं? कॉम्पोनेंट्स हैं।